वालेकुम। आज हम बनाएंगे सांभर। इसके लिए हमें चाहिए, हमने मसूर के, चने के और तुअर की दाल एक एक कप लेकर आधा एक घंटा भिगा दिया था। फिर इसको हम बाद में कुकर में डाल के गलाएंगे। इसके साथ हमने एक कैरी लिया है और 100 ग्राम इमली का रस निकाल के रखा है हमने, और आधा किलो कद्दू लिया है, से बारीक ऐसा काट के रख दिया है, और मूंगने की फली आधा किलो। ये बघार के लिए हमें टमाटे लगेंगे, ये 100 ग्राम टमाटे लिए हमने, थोड़े छोटे छोटे इसको चॉप करके रखा है। एक बड़ा टेबल स्पून धनिया की बुकनी, एक टेबल स्पून लाल मिर्ची, एक टेबल स्पून सांभर और एक टेबल स्पून अदरक लहसुन और आधा टीस्पून जीरा पाउडर और एक टेबल स्पून गुड़। और गलने में डालने के लिए हमने 3-4 टमाटे लिया है और 2 प्याज की डल्ली जो हमें बघार के लिए लगेंगे, और एक टेबल स्पून हमने हल्दी लिया है। फिर हम ये जो भिगा कर रखे थे दाल, इसको कुकर में डालेंगे और इसके साथ ये कैरी और धनिया की बुकनी, मिर्ची, सांभर मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी, जीरे की बुकनी और ये टमाटे डाल के इसको गला देंगे। दाल को हमने गला कर इस तरह घोट दिया है। फिर बघारने के लिए हमने 1 कप तेल लिया है, इसमें से आधा कप अभी डाल रहे हैं हम, फिर आधा कप हम बघार तड़के के लिए रखेंगे। आधा कप सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 कप भर के प्याज जो हमने काट करके रखा था, फिर उसे थोड़े गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। बघार के लिए हमने 2 हरी मिर्चियाँ बारीक काट लिया है और 1 टेबल स्पून कड़ी पत्ता और 1 टेबल स्पून कोथमीर। प्याज को हमने थोड़ा भून लिया है, फिर उसके बाद हम एक एक कर सब चीज़ें डाल देंगे, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और कोथमीर। हम थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लिया है। आप चाहे तो आधा आधा कप दाल लेके सब चीज़ हाफ हाफ ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन जो हमने आधा गलने में डाला था दाल में और आधा बघार में डाल रहे हैं। ये सब मसाले जो हमने आधे आधे गलने के लिए डाले थे और आधे अब बघार में डाल रहे हैं, सांभर मसाला और हल्दी और ये जो बारीक टमाटे करके रखे थे हमने वो भी डालेंगे, और थोड़ा भूनेगा, 2-3 मिनट तक भूनेंगे इसे। फिर ये कद्दू जो हमने बारीक काट के रखा था वो भी डाल देंगे, और मूंगनी की फली हमने थोड़ा कुकर में डालकर 1 सीटी कर गला दी है, इसलिए अभी हम कम डाल रहे हैं। नमक 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं हम, और गलने में आधा टेबल स्पून डाल के दाल में गला दिया था, आप आपके स्वाद के हिसाब से नमक डालिए। कुछ 6-7 मिनट तक उसे ढककर थोड़ा पानी डालकर उसे गलने देंगे। कद्दू हमारे गल गए हैं, इसके बाद हम इसमें इमली का खट्टा जो हमने निकाल के रखा था वो डाल देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें ये गुड़ जो हमने रखा था वो डाल देंगे, फिर ये मूंगनी की फली जो गला के रखी थी हमने वो भी डाल देंगे, फिर उसमें दाल डाल के 10 मिनट पकने देंगे। ये दाल डाल दिया है हमने, फिर इसके बाद हमने 1.5 गिलास पानी डाला और आप आपके हिसाब से नमक डालें। दाल पे तड़के के लिए हमें चाहिए 3-4 सूखे लाल मिर्च,
आधा टीस्पून रई, आधा टीस्पून हींग और एक टीस्पून जीरा और पाव पाव रई और कलौंजी और एक टीस्पून लहसुन। बघार के लिए जो हमने आधा कप तेल रखा था उसमें अब सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। फिर उसके बाद लहसुन डालेंगे। फिर रई और कलौंजी डालेंगे। मेथी, रई और कलौंजी। थोड़ा ब्राउन होने तक इसे भुनेंगे। इसके बाद इसमें सूखी हुई लाल मिर्च और आखिर में हींग डालेंगे। इसके बाद मिर्चियों को थोड़ा आप मिर्ची को तोड़ के डालें हाथ से। बस इस तरह इसमें हींग डालकर बघार डाल दीजिए। लीजिए हमारा डोसा और सांभर तैयार।